अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद जेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, मुरिंगा कह लें या सुहांजना कह लें, ये फलियां कहलाती हैं सुहांजना की। बहुत ही ज़बरदस्त यानी फ़ायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इनके पत्तों के, इनके फूलों के। तो आज हम इसकी कढ़ी बनाएंगे और ये मैं आपको छील के दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं पील करूंगी और इसके पीसेस काटूंगी। मैं बनाऊंगी कढ़ी इसकी, जो वैसे तो ये दाल में भी बनती है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन आज हम कढ़ी में बना रहे हैं। तो ये मैंने चार फलियाँ ली हैं इसकी, ये देख रहे होंगे आप, और मैं इसके अभी पीर कहूँगी कि पीसेस करके दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने लिया है 1/2 kg दही, जो घर का जमा हुआ है, आप इसकी थिकनेस देख रहे होंगे। लेकिन दही जो है वो कढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा खट्टा होना चाहिए, मैंने भी रात को जमा दिया था ये दही, तो अब माशाल्लाह से खूब अच्छा खट्टा सा हो चुका है इसका फ्लेवर। और अगर इनकेस अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आप उसमें टाटरी का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पिंच आप टाटरी डालें, या अपने हिसाब से जिस हिसाब से आप खट्टा खाते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। और ये मैं ले रही हूँ इसमें 1 कप बेसन है, तकरीबन 125 mg के बराबर ये बेसन लिया है मैंने। बस अब हम इसको विस्क करेंगे अच्छा सा दही के साथ। चलिए देखिए, बेसन मैंने डाल दिया है इसके अंदर, दही के अंदर मैं मिक्स करके रखती हूँ, फिर हम मसाला भून के और इसकी कढ़ी चढ़ाते हैं। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए देखिए, मैं पतीली रख चुकी हूँ और 1/2 कप ऑयल डाल दिया मैंने, क्योंकि हमें इसमें तड़का भी लगाना है, तो हम इसमें मसाला भूनेंगे। ये मैंने एक दरमियानी प्याज ली है, बहुत बड़ी नहीं थी, दरमियानी प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है, देखेंगे आप। तो बस अब इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे, फिर मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बस ये है कि कढ़ी को ज़रा पकाना ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए ज़्यादा यानी मेहनत वाली रेसिपी नहीं है। आप बगैर मेहनत के बहुत अच्छी सी आपको ये इसकी कढ़ी का रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा लंबा पकाएंगे आप। ये देखिए, 5 से 6 लहसुन के जवे थे, ये मैंने बारीक कट कर लिए हैं, ये भी हम इसी के साथ डाल देंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन फ्राई लहसुन भी हो जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आए इसकी। चलिए, प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो गई है, आप देख रहे होंगे इसका लुक। अब मैं इस पर डाली हूँ, मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें कट कर ली थी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बस ये थोड़ा सा हम चलाएंगे और फिर हम इसके मसाले डाल देंगे। फिर कहूँगी बहुत थोड़े मसालों से बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत हेल्दी, क्योंकि ये मुरिंगा या सुहांजना जो है बहुत हेल्दी होता है, और आजकल बहुत अच्छी फ्रेश नई नई आ रही हैं ये फलियाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जल्दी से कढ़ी बनाना सिखा दूँ। चलिए, ये नमक डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्चें, नॉर्मल से मसाले, आप मिर्चें अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और 1 ही टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, और 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी ली है, क्योंकि आपको पता है कढ़ी में हल्दी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और इसकी भुनाई करेंगे। चलिए देखिए, मसाला भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ऑयल भी छोड़ दिया है। बस अब हम इस स्टेज पे पानी डालेंगे थोड़ा सा पहले इसमें, और फिर जो हमने कढ़ी का बैटर घोल के रखा है वो डालेंगे। चलिए देखिए, बैटर मैंने ज़रा अच्छा सा पतला कर लिया है ताकि एकदम से मसाले के अंदर जाके उसमें लम्स ना पड़ जाएं, तो हम इसको डालेंगे और चलाते रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल लम्स फ्री हमें ये बैटर चाहिए कढ़ी का। बस जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आता हम इसको मुस्तकिल चलाएंगे, और तकरीबन इसमें टोटल पानी जो है वो 2 लीटर के करीब जाएगा। चलिए ये देखें, 2 से 2.5 लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया है, और अब ये हम मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे, ताकि बेसन की अच्छी सी महक निकल जाए इसमें से कच्चेपन की। और मैं इसमें डालूंगी फिर उसके बाद फलियाँ, ये देखें, ये 1 घंटे के बाद फलियाँ डालेंगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने इसको इस हिसाब से कट कर लिया है, थोड़े से लंबे पीस में, 4-4 इंच का टुकड़ा समझ लीजिए आप, और ये जल्दी गल जाती हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। तो ये पील करके नॉर्मल सा मैंने इसको कट कर किया है, और अब 1 घंटे पकने के बाद कवर करके हम इसको पकाएंगे, 1/2 कवर करेंगे ताकि उबल के ये बाहर ना आ जाए, तो हम इस पर फिर डालेंगे ये फलियाँ। चलिए फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। चलिए देखिए, 1 घंटा हो चुका है पकते हुए कढ़ी को, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे और कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है, कढ़ी हमेशा इसी कलर की अच्छी लगती है। तो चलें, अब मैंने बीच में इसको चखा भी था, बहुत अच्छी सी खटास और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है, बस थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक ऐड किया है इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। बस अब हम ये फलियाँ जो हमने कट करके रखी थी ये डाल रहे हैं, ताकि तकरीबन 1/2 से 1.5 घंटा ये हमारी पकेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी गल जाएंगी, फिर मैं आपको इनकी लुक दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में, ताकि उनको भी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले इतनी ईजी और होममेड मसालों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें फिर, ये थोड़ी सी गलती है तो मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लुक। चलिए, मैंने फ्राई पैन रख दिया है तड़का कह लें या भगार कह लें उसके लिए, और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी लाल साबुत मिर्चें,
और थोड़ी सी हींग है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल ज़रा सी हींग, कढ़ी में बहुत मज़े की लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हींग की। और अब मैं डाली हूँ उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, और अच्छा सा कड़कड़ा जाए, खुशबू आने लगे तो हम इस पर डालेंगे कड़ी पत्ता। ये बहुत ज़बरदस्त भगार तैयार हुआ है कड़ी के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं भगार में लहसुन डाल चुकी थी कड़ी के मसाले में, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए देखिए, कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और फलियाँ भी बहुत अच्छी सी गल गई हैं। बस बहुत ज़्यादा नहीं गलानी, क्योंकि फिर इसके अंदर पूरी कड़ी में घुल जाएंगी। बस इस पोजीशन में हमें रखनी है ताकि जब ये चबाएं तो बहुत ही मज़े की लगे। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा लगा दूँ बघार, थोड़ा सा मैं बचाऊँगी डिश के लिए। चलिए अब मैं इसको डिश में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। चलिए देखिए, मैं निकाल रही हूँ, और आपको राइस के साथ खाना हो आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो चपाती से या वैसे चमचे से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखें, ये मैं सर्व करने के लिए रेडी कर चुकी हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी इसी तरह किसी अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।